वहीं भोपाल में मगरमच्छों की गणना पूरी कर ली गई है। बता दें केरवा डैम में 22 मगरमच्छ पाए गए हैं। इन जलाशयों में दर्जनों कछुए भी मिले हैं। तो वहीं गिनती के दौरान 6 घड़ियाले भी नजर आए हैं। भोपाल वन मंडल ने गणना की है। अगले चुनाव तक दोनों 80 साल में हो जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माना कि एमपी में सरकार नहीं बनेगी उनकी। जहां कांग्रेस 15 साल सत्ता में नहीं आई, वहां कभी नहीं लौटी है। अपनी खुद की बात बता रहे थे, कमलनाथ जी की बता रहे थे, कांग्रेस की आड़ ले ली होगी, क्योंकि इसके बाद जो चुनाव आएगा 23 के बाद, वो तो जब तक वो 80 की उम्र पार कर गए होंगे, कमलनाथ जी 80 को पार कर गए होंगे, तो उनका तो ये आखिरी चुनाव है। कांग्रेस के कार्यकर्ता में कितना भी ये कर लें, कांग्रेस का कार्यकर्ता अब मान चुका है कि अब कांग्रेस कभी आने वाली मध्य प्रदेश में नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई संभावना नहीं बची, जैसे बिहार में कोई संभावना नहीं बची, जैसे पश्चिम बंगाल में, इतिहास ऐसा कहता है कि 15 साल जहां भी कांग्रेस सरकार से बाहर रही है वहां फिर वापस नहीं आई है। तमिलनाडु से लेकर अब मध्य प्रदेश तक चले आए,